हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट और हम इसको एक इजी ट्रिक से 54 फॉर्मूला बनाना को सीखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, दिस इज क्वाड्रेंट। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड और लास्ट इज फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो हमने क्या सीखा है कि ये होता है एक्स एक्सिस, ओके, और ये होता है वाई एक्सिस। अब आपको पता है नॉर्मल वाले क्वाड्रेंट में यहां नेगेटिव, बाकी सारे ये दोनों पॉजिटिव, क्लियर है। अब ये बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट हम यूज करने वाले हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। किसमें यूज करने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर कैसे हमें फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो मैंने कहा ये है जीरो डिग्री। अब देखो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा है आपको। तो ये वाला एंगल हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। फिर यहां पर आओ, 90 और ऐड हो गया तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। फिर 90 ऐड तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। और फिर वापस से 90 ऐड तो कितना बन जाएगा 360। अब ऐसा नहीं है, इसमें 54 ही फॉर्मूले बन सकते हैं। आप ऐसे घूमते जाओगे तो आपके फॉर्मूले बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, है ना। अब टीचर लोग सिखाते हैं इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो भाई, पहली बात समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज आपको समझना ही नहीं है, सीधे मुद्दे की बात है। क्लॉकवाइज हमने घड़ी घूमते हुए देखिए तो वैसे ही मानना है। तो कैसे करना होगा, बातों को समझते हैं। तो मैंने कहा अगर इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट की मैं बात करूं, तो आपको एक चीज यार, जिसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, जिसका मतलब ऑल पॉजिटिव। तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे यहां पर पॉजिटिव होंगे। और यहां पर क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और रेस्ट जो रिमेनिंग बचे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वही यहां पर मैंने कहा, यहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रेस्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और यहां पर लास्ट कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रेस्ट क्या हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद करने का एक बेसिक सा फंडा है, आफ्टर एस फॉर स्कूल, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन थीटा कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस फॉर कॉलेज। समझ में आया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब मेन फॉर्मूला शुरू होता है कि फॉर्मूला तो जितना मर्जी बना लो, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। तो मैं आपको देखो लिख के दिखाता हूं, नॉट नंबर वन और नॉट नंबर टू। तो नॉट नंबर वन एंड नॉट नंबर टू, ये दो चीजें आपको बताता हूं क्या याद रखनी है। पहली चीज, नॉट फर्स्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक्स एक्सिस पे, एक्स पे जितने भी एंगल बढ़ रहे, तो यहां कितना बढ़ रहा है 360, यहां कितना बढ़ रहा है 180। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल बढ़ रहे हैं वहां पर एंगल जो होगा, रेशियो जो होगा फंक्शन का, वो आएगा नो चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्या नो चेंज है वो बताऊंगा आपको। अच्छा, वहीं पर अगर मैंने क्या कहा वाई एक्सिस होगा, अगर वो वाई एक्सिस है तो फिर ये नो चेंज है, तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, क्लियर है गाइस। यानी वाई एक्सिस होगा तो चेंज हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। अब सेकंड नॉट क्या है, चलो चेंज होगा तो किसमें होगा, नहीं होगा तो किसमें होगा। तो साइन थीटा अगर चेंज करना चाहते हो, और ये सिंबल जो है इंटरचेंजिंग का है, इधर से भी गिव्स टू इधर से भी गिव्स टू, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में। अब बात आती है, ये तो हो गई चेंज की बात, तो नो चेंज क्या है, नो चेंज में तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, एज वेल एज, क्लियर है।
तो ये आपको नोट याद रखना है और बाकी कहानी खत्म हो जाती है। देखो जैसे कि मैंने बताया, अब इस वाले क्वाड्रेंट का क्राइटेरिया जो है 90 से कम है, जीरो से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा, आया ना। अब आपको क्या करना है, ये 90 को पाई की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर मैं 180 को 2 से काट दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2 यानी पाई बाई 2 है। 90 को मैं क्या बोलूंगा, पाई बाई 2, या पाई बाई 2 बोलो, ये 90 बोलो, बात एक ही है। अब पाई की वैल्यू 180 होती है, तो हमारे पास इसकी जगह क्या ले सकता हूं मैं, पाई, इसकी जगह लिखूंगा 3π/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 270 डिग्री मिलने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, पाई होता है 180, तो 2π हो जाएगा 360, क्लियर है। तो अगर पाई की टक्कर बोले तो हम लिखेंगे π/2 - थीटा, क्लियर। अब सेकंड का क्राइटेरिया क्या है, यहां से लेकर यहां का, तो मैं इसको बोलूंगा π - थीटा, कोई डाउट। फिर यहां पर इसको बोलूंगा मैं 3π/2 - थीटा, इसको बोलूंगा मैं गाइस 2π - थीटा, यहां से यहां तक इसका क्राइटेरिया। बताइए यहां तक क्लियर है मेरी बात। अब फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये दोनों नोटों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप जितने मर्जी फॉर्मूले बना सकते हो, जितना राउंड लगाओगे उतना फॉर्मूले बनते जाएंगे। सपोज मैं बात कर रहा हूं आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की, मैं बात कर रहा हूं किसकी गाइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल का क्राइटेरिया है वो जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब मैंने कहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या मैं इसको बोलू साइन π/2 - थीटा, तो साइन π/2। तो आप देखो ये 90 डिग्री जो है वो कौन से एक्सिस पे पड़ रहा है, तो 90 डिग्री जो है कौन से एक्सिस पे पड़ रहा है, वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, क्लियर है मेरी बात। जिंदगी तक नहीं बोलोगे अगर आपको याद होगी ये दोनों बातें। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या होता है गाइस, चेंज हो जाता है गाइस। तो किसमें चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसमें बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, तो आंसर आएगा कॉस पॉजिटिव। तीसरी बात क्या याद रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से कॉस थीटा का क्या हो जाएगा भाई, कॉस 90 माइनस थीटा, तो आंसर आएगा साइन थीटा, तो चेंज हो जाएगा। फिर आगे टेन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, तो टेन किसमें चेंज होता है, कॉट में, तो आंसर आएगा कॉट थीटा। फिर ऐसे ही कर लोगे भाई, फिर कॉट 90 माइनस थीटा तो गाइस टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा तो आंसर आ जाएगा कॉसेक थीटा, आ रही बात समझ, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा तो आएगा सेक थीटा। तो इस तरीके से देखो एक फॉर्मूला, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, तो एक क्वाड्रेंट से छह फॉर्मूले लिख देंगे, तो 6, 12, 18, 24 और 24 और 24 एंटी क्लॉकवाइज के कितने हो जाएंगे, 48। और एक फॉर्मूला में अभी आपको एक छह फॉर्मूले की सीरीज और बताऊंगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो होगा आपको कितने गाइस, 54। तो ये मैं आपको 54 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ और आप ही बना लोगे, मैं आपको सारे बनाऊंगा नहीं, आपसे बनवा लेंगे सारे। तो पहले बताओ यहां पर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है दोस्त, वो बोलता है पाई से थीटा माइनस कर दो। अब पाई बोलो या 180 बोलो, बात एक ही है। तो मैंने क्या बोला, सपोज पाई के टर्म में निकाल के दिखाता हूं, तो मैंने क्या था, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, आया ना। अब इसको इक्वल टू करना है, तो मैंने क्या बोला, साइन पाई माइनस थीटा, है ना। तो पहले तो देखो ये कौन से एक्सिस पे पड़ता है, तो ये कौन से एक्सिस पे पड़ता है, पाई एक्स एक्सिस पे पड़ता है, और एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज, क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, इसमें साइन साइन ही रहेगा। तो मैंने क्या बोला, साइन पाई माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा कौन से वो दो रेशियोज हैं, वो कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन पॉजिटिव है, क्लियर है भाई। अगर देखो सपोज मैं बोलता कॉस पाई माइनस थीटा, तो पहली बात तो ये एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में,
कॉस नेगेटिव होता है, कोसेक है वो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का कॉस कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात? अगर ऐसे ही आपको बोला गया कि आपको निकालना है टेन पाई माइनस थीटा, तो आंसर आएगा माइनस का टेन थीटा। ऐसे ही आपको निकालना है कॉट पाई माइनस थीटा, तो आंसर आएगा माइनस का कॉट थीटा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हो कॉसेक पाई माइनस थीटा, तब आप बोलोगे पॉजिटिव का कॉसेक थीटा, की कॉसेक तो पॉजिटिव होता है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको इन दोनों को भी देखना है और ये दोनों नोटों को भी फॉलो करना है। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में, ये तो अभी जरा 90 मैंने गिनाया, आप 90 प्लस करते जाओ, कोई लिमिटेशन है फॉर्मूले कितने बनेंगे? तो अनगिनत फॉर्मूले बना सकते हो, बस ये दो फंडे याद रखने हैं बस, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली। पहले बताओ इसी के बाकी बना लोगे, एक छोड़ दिया मैंने, बना लेना। फिर अब मैंने कहा सपोज तुम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, थर्ड में भैया सिखाइए, चलो भाई देखो तो थर्ड में सीख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और कंडीशन क्या है गाइस, 3π/2 माइनस थीटा को चेक करना है। तुमने क्या बोला, साइन, पहला फॉर्मूला साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो क्या होगा भाई देखो, 3π/2 कौन से एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है ना, और वाई एक्सिस पे क्या होता है चेंजेस हो जाते हैं, तो साइन किसमें चेंजेस में होगा, कॉस थीटा। अब मुद्दे की बात, साइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से बनाना, सपोज जैसे मैंने आपको बनाया टेन 3π/2 माइनस थीटा, अब आंसर क्या आएगा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, आंसर इज कॉट थीटा, और टेन थीटा पॉजिटिव होता है, आया ना, कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है। फिर ऐसे ही अगर मैंने कहा आपको कॉट 3π/2 माइनस थीटा बनाया, तो आंसर क्या आएगा गाइस, टेन थीटा, और ये भी क्या होता है पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के अलावा ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी रेस्ट नेगेटिव होंगे। यानी अगर आप कॉस को बनाओगे, सेक को बनाओगे, कॉसेक को बनाओगे, सारे नेगेटिव आएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आगे के दिन बना लोगे क्या, सिंपल है। अब चौथा वाला केस देख लो, चौथा केस क्या बोलता है, तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लेते हैं, आ जाओ इसको बॉक्सिंग कर देता हूं, नहीं तो लगेगा नोट्स का पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ, सपोज मैंने कहा आपको पहले कॉस भी बनाया, तो पहला फॉर्मूला बनाया कॉस 2π माइनस थीटा, 2π बोले तो 360 माइनस थीटा, तो मैंने क्या बोला 2π हमारा आता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे होता है नो चेंज, यानी कॉस कॉस ही रहेगा, और कॉस हमारा यहां पर क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने वही कहा कि साइन 2π माइनस थीटा होगा, तो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि नो चेंज है एक्स एक्सिस पे, तो मैंने क्या बोला गाइस, साइन तो नेगेटिव होता है ना दोस्त, तो नेगेटिव आ जाएगी, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सपोज मैं टेन बनाता, मैं बनाता टेन, तो टेन 2π माइनस थीटा, तो आंसर क्या आता, टेन चेंज तो होगा नहीं, तो आंसर आएगा माइनस का टेन थीटा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि टेन यहां पर नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली बात से। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से तीन मैंने बताया, तीन और बनाते, तो आपके कितने हो गए, छह की सीरीज ये रही, छह फॉर्मूला ये रहे 12, 6 × 18 जो आप बनाओगे तीन कंप्लीट, और यहाँ पे 6, तो कितने हो गए 24 फॉर्मूले, तो आपने एक क्लॉकवाइज घूमकर बनाया। अब आता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो मैं बताता हूँ, पहले बताओ इधर तक क्लियर है, इधर तक क्लियर है गाइस? इसका फटाक से फोटो लेंगे, फिर मैं आपको इसी क्वाड्रेंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बताता हूं, रफ कर दो। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने सारे माइनस करे, π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम 90 से वैल्यू माइनस कर रहे थे तो हम फर्स्ट में गिर रहे थे, है ना। अगर 180 से माइनस कर रहे थे तो हम सेकंड में गिर रहे थे, 180 माइनस थीटा, याद है सारे माइनस आगे हमने कराए थे। अभी अब देखना, मैंने कहा अगर मैं 90 में एंगल को प्लस कर दूं, 90 में एंगल को प्लस कर दूं, सपोज 90 में कोई भी एंगल मैंने प्लस करा, 90 में मैंने कोई भी एंगल प्लस करा, तो वो 90 से ग्रेटर होगा, तो अगर हम उसका एंगल बनाएंगे तो 90 से एंगल तो यू बनेगा ना ऑब्ट्यूज, ओके, तो यू बनेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सेकंड में लाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे को 90 प्लस थीटा करना है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 डिग्री में, ये 180 डिग्री के लीनियर लाइन है, अगर मैं इसको कोई एंगल प्लस करूं तो कहां पर मूव कर जाएगा,
वो कट जाएगा 360 में, यानी 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो प्लस कर रहा हूं मैं, अब क्लॉकवाइज में माइनस था, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस हो रहा है ना, तो अभी मैंने प्लस कर दिया। अगर इसको पाई के टर्म में लिखेंगे तो आंसर आता पाई प्लस थीटा। अब यहां पर आ जाओ, अगर मैं 270 प्लस करूंगा तो एंगल यहां आ जाएगा, तो इतना आएगा 270 प्लस थीटा। अगर 360 प्लस करूंगा तो वापस से फर्स्ट में आ जाऊंगा, तो आंसर आएगा 360 प्लस थीटा। तो पहले बताओ ये एंगल्स कैसे इसमें पहुंचे पता लग गया, क्योंकि 360 यहां पर था, मैंने उसमें एक और एंगल प्लस कर दिया, थोड़ा सा भी एंगल, एक डिग्री एंगल प्लस कर दिया, वो यहां आ जाएगा तुरंत ही। अब फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट दोबारा मैंने ये करा, अब बाकी सारा वैसा था वैसे रहेगा, ये नोट्स वही काम करेंगे, ये रामबाण है जो पहले था वही अब है, क्लियर है? और अब आपको कैसे बनाना है वो समझो। तो जब मैंने 90 प्लस थीटा करा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस वाली 360 वो उधर आ गई। अब याद देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, 360 प्लस थीटा, तो मैं क्या करूंगा यहां, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब आप बताओ मुझे सोच के कि 360 डिग्री कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पर ही आता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला और बन गया, कुछ है एंटी क्लॉकवाइज में सेम वही काम है, फिर अगर मैंने कहा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा चेंज तो होता नहीं है, और पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, उससे सोचना ही नहीं है, क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैंने कहा टेन थीटा का बना लो, चलो तो टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का टेन थीटा चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है मेरी बात? तो इसी तरीके से तीन और बना लोगे तो छह यहां कंप्लीट हो जाएंगे, आया ना? अब अगले वाले में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में ये वाली चीज पहुंच गई, तो हमारे पास आएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्लियर है मेरी बात? अब पहला फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा हो रहा है गाइस, 90 प्लस थीटा से कोई ना कोई एंगल प्लस हो रहा है, कौन सा एक्स पे पड़ रहा है, वाई एक्स पे, चेंज हो जाता है साइन के साथ, चलता है कॉस थीटा में, आया ना, क्लियर है मेरी बात? बोलो, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड, अगर मैंने कहा कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, तो कॉस तो नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा, क्लियर है मेरी बात? कि कॉस तो नेगेटिव होता है ना सेकंड में, तो इस तरीके से आपको बनाना है। थर्ड बनाया मैंने टेन 90 प्लस थीटा, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का कॉट थीटा, चेंज क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि वाई एक्स तो चेंज हो जाता है, क्लियर है मेरी बात? तो बना लोगे इसके भी सिक्स, इसके भी सिक्स बना लेना, फॉर्मूला कंप्लीटेड। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में चीजें आ गई 180 प्लस थीटा, यानी इसमें एंगल प्लस कर दिया, तो आंसर आएगा, सबको टेन का ही बनाओ पहले, टेन है तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, सही है भाई? तो यहां कितना आएगा टेन 180 प्लस थीटा, बोले तो अब देखो 180 कौन सा एक्स पर है, एक्स पर, चेंज नहीं होगा, तो टेन टेन ही रहेगा, और टेन क्या होता है इसमें पॉजिटिव। सपोज आपने कॉट बनाया, तो कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या आंसर आएगा, प्लस का कॉट थीटा, चेंज तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है? अगर तीसरा मैंने सपोज साइन बना दिया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बना दिया, तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा, क्यों, चेंज तो होता नहीं है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वन होता है टेन और कॉट, और बाकी रेस्ट नेगेटिव, आ रहा समझ, क्लियर है? कभी उलझन नहीं आएगी दिमाग में, ज्यादा क्लियर है? अब चौथा समझ लो, तो देखो लास्ट मैंने ये कहा, अब हम कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लास्ट वाले में, तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर मैंने कहा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, पहले देखो 270 डिग्री कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, आया ना, तो अब साइन किसमें बदलता है, कॉस में, लेकिन मुद्दे की बात साइन तो नेगेटिव होता है, तो आपका आ जाएगा नेगेटिव, वहीं पर ही मैंने क्या कहा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस तो पॉजिटिव होता है, क्लियर है मेरी बात? तीसरा सपोज टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो आंसर आएगा, चेंज हो जाएगा, तो कॉट, लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि टेन तो यहां पर नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से इसके भी छह बना लोगे आप, और इसके भी छह फॉर्मूला बनाकर तैयार कर लोगे, बना लोगे नहीं बना लोगे, तीन तो मैंने बना दिया, तीन आप बना लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैसे बन रहे हैं, क्लियर है मेरी बात? तो ये तो हो गए हमारे दोबारा से 6 6 24 और पीछे भी 24 थे, बोले तो 48, अभी आपके पास 48 फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला और सुन लो, फिर कहानी क्लोज कर देते हैं। देखो जो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, इसके अंदर एक वैल्यू होती है माइनस का थीटा। अगर एंगल नेगेटिव में है, अगर एंगल कोई भी किसी भी
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें कॉन्सेप्ट जो चलता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, मैंने एंगल डिफाइन ही नहीं करा कितना डिग्री है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये ऑब्वियसली इसके अंदर ही है, क्लियर है। तो मैंने यह कहा सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट का एक स्पेशल केस, तो मैंने कहा साइन माइनस थीटा, साइन को नेगेटिव कर रखा है इन्होंने, तो अब क्या बोलोगे साइन माइनस थीटा है तो आंसर आएगा नेगेटिव का साइन थीटा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सपोज मैंने क्या कहा कॉस माइनस थीटा तो आंसर आएगा कॉस थीटा पॉजिटिव, क्यों, एक कॉस नेगेटिव होता है। फिर वहीं पर ही मैंने क्या कहा टेन टेन माइनस थीटा तो आंसर आएगा माइनस का टेन थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि टेन यहां पर नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से क्या मैं छह के छह फॉर्मूले बना दूंगा, तो बोलने का मतलब सेक माइनस थीटा तो आंसर आएगा सेक थीटा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सेक पॉजिटिव होता है। फिर आगे कॉसेक माइनस थीटा तो आंसर आएगा माइनस का कॉसेक थीटा। फिर अगला क्या रह गया था, ये कॉस हो गया साइन हो गया टेन हो गया कॉट रह गया, कॉट माइनस थीटा तो आंसर आएगा माइनस का कॉट थीटा। बताइए बस वही पॉजिटिव है जो पॉजिटिव होता है, घेरा और एक घेरा यही पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट नेगेटिव। बाकी ये याद रखना कि जो माइनस थीटा होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है। तो गाइस क्लियर है आपको अच्छे से, तो हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो गया, यानी क्वाड्रेंट्स के आप जितने भी फॉर्मूले बनाना चाहते हो सारे बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको दो नोट याद रखने हैं। ओके गाइस चलो बाय बाय।